नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैं इस व्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड एज यूजुअल मैं अभी अपने किचन में हूँ और किचन से इस व्लॉग का स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, दोपहर की दाल बची हुई है और इसी दाल में अब मैं थोड़ा चावल बनाऊंगा, चावल खाता हूँ। ठीक है, ये है भाई चावल, एक कटोरी और 1.5 कटोरी इनफ है। ये पुलाव वाले और ये वैसे ही सिंपल। ठीक है, ये पुलाव के लिए हैं बारीक चावल। चावल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सुबह जब रोटी बनाई थी तो रोटी ज़्यादा बन गई, इसलिए दिन में भी रोटी खाई और अब दोनों टाइम रोटी खा ली, तो शाम को अब चावल खा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बिना भात खाए ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा है ना। बिना भात खाए ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा है। वैसे भी गर्मी हो गई है तो गर्मियों में चावल सही रहता है। ठीक है, ये है भाई टारगेट, ये हैंड सैनिटाइजर और छिपकली। यही है भाई, यही है। बस खाना बनाया, उसके बाद ऊपर आ गए बेडरूम में, थोड़ी देर मोबाइल चलाया, फिर उसके बाद सो गए। ठीक है, और लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि डेली 15 या 20 मिनट पढ़ाई भी कर लूँ। चलिए भाई, इसको लेते हैं, वर्ड पावर मेड इजी। इसको ख़रीदा था भाई मैंने, थोड़ा सा पढ़ा इसको, उसके बाद ये ऐसे ही है, तो क्यों ना इसको 1 महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये हाइलाइटर ले लेते हैं जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, और चेयर में तो अभी चेयर में नहीं बैठूंगा भाई, मैं कमर दर्द हो रही है मेरी, इसलिए मैं बेड पे ही बैठता हूँ। ठीक है, इजी हो जाएगा क्वेश्चन लेके। ओके, ये सेशन सेशन 14 तक मैंने पढ़ लिया था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि शुरू से शुरू करता हूँ इसको, है ना, रिवीजन भी हो जाएगा। और ठीक है भाई, Close my eyes, embrace the black. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. डॉक्टर्स की स्पेशलिटीज के आधार पर उनको किस प्रकार संबोधित करते हैं वो सीखते हैं भाई हम इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं इस कपड़े को भिगो के लाता हूँ, वाइट बोर्ड को साफ करता हूँ और फिर वहाँ पर देखते हैं भाई। ठीक है कि ये है भाई, पहला वर्ड है गायनाकोलॉजिस्ट। गायनाकोलॉजिस्ट कौन होता है, कौन सा डॉक्टर होता है गायनाकोलॉजिस्ट? दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट्स दी फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स। ठीक है, जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल ऑर्गन्स का ट्रीटमेंट करता है उसको गायनाकोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब आता है दूसरा कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट कौन सा डॉक्टर होता है जो हार्ट के पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है? ठीक है, दिल के मरीजों का जो इलाज करता है कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, तीसरा है
ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन क्या है? प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, ठीक है, बच्चे को जन्म दिलाना, प्रेगनेंसी में देखभाल करना, मतलब ऑब्स्टेट्रिशियन मतलब दाई, दाई कहते हैं, ठीक है, ठीक है, जो प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में महिला की, फीमेल की हेल्प करती है उसको कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। चौथा है पीडियाट्रिशियन, इसको मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, पीडियाट्रिशियन मतलब बच्चों का डॉक्टर भाई, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब आइस स्पेशलिस्ट, आँखों का डॉक्टर, ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट मतलब स्केलेटल सिस्टम मतलब बोन्स हड्डियों का डॉक्टर, ऑर्थोपेडिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब स्किन, स्किन का डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, स्किन का डॉक्टर कौन हो गया? डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन का डॉक्टर, हड्डियों का डॉक्टर ऑर्थोपोडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट। और साइकाइट्रिस्ट मतलब मेंटल और इमोशनल डिस्टरबेंस, मेंटल और इमोशनल डिस्टरबेंस, ठीक है, जो मानसिक, जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हो उसका जो इलाज करता है उसको कहते हैं साइकाइट्रिस्ट। मानसिक संतुलन का इलाज करने वाले डॉक्टर को क्या कहते हैं? साइकाइट्रिस्ट। अभी रात के 10 बज चुके हैं और मैं वीडियो को एडिटिंग करके उसको अपलोड कर लेता हूँ 2 बजे से पहले पहले, क्योंकि 12 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक जो डेटा होता है वो फ्री अनलिमिटेड रहता है, रात के 12 बजे से और सुबह 6 बजे तक। तो मैं अभी इसको अपलोड कर दूंगा 2 बजे तक वीडियो को, ताकि जो मेरा डेली डेटा पैक है वो बच जाएगा। और हाँ, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच का जो कल डू और डाई का मैच है वुमेन वर्ल्ड कप का, उसमें इंडिया को जीतना ज़रूरी है, तो मैं वो कल पूरा मैच देख पाऊँगा, ठीक है। तो चलिए भैया, अब एडिटिंग करता हूँ, फिर अगले व्लॉग में मिलेंगे।